रीवा के सेंट्रल जेल से आजादी के अमृत महोत्सव पर्व पर आजीवन कारावास में सजा काट रहे 20 कैदी रिहा। लगभग एक दशक से ज्यादा समय बाद ली खुली हवा में सांस। परिजनों के आंखों में खुशी के आए आंसू। रीवा के सेंट्रल जेल से आजादी के अमृत महोत्सव पर विभिन्न अपराधों में सजा काट रहे 20 कैदी रिहा हुए। लगभग एक दशक से ज्यादा समय बाद ली खुली हवा में सांस। परिजनों के आंखों में खुशी के आंसू। रीवा के सेंट्रल जेल से 20 कैदी रिहा हुए। सभी को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस के मौके पर जेल से कैदियों की रिहाई होती है। यह रिहाई उन्हीं कैदियों की होती है जिनका चाल चलन जेल में सजा के दौरान बेहतर होता है। इन कैदियों ने 20 साल की सजा जेल में काट ली है, जिसमें 14 साल की सजा के साथ 6 साल की सूखी सजा भी शामिल होती है, जो इस दौरान पूरी हो जाती है। इन कैदियों की रिहाई अच्छे चाल चलन के तहत जेल प्रशासन करता है। रिहाई के लिए बाकायदा एक टीम बनाई जाती है, जो कैदियों की परख करने के बाद उनकी लिस्टिंग करती है। यह लिस्ट जिला प्रशासन के पास भेजी जाती है। जिला प्रशासन इस लिस्ट को जेल प्रशासन के पास भोपाल भेजता है। वहां से यह लिस्ट मध्य प्रदेश शासन को भेजी जाती है। महामहिम राज्यपाल को धारा 161 के तहत संविधान में कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। राज्यपाल इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करके इन कैदियों को इनकी सजा में छूट देते हैं। रीवा में आज छूटे 20 के 20 कैदी आजीवन कारावास के सजायाफ्ता थे। सभी को 302 यानी हत्या के आरोप में यह सजा सुनाई गई थी। आज छूटने वाले सबसे उम्र दराज कैदी की उम्र 63 साल की थी। माना जा सकता है आजादी के अमृत महोत्सव का यह पर्व उन 20 परिवारों के लिए खुशियां लेकर आया जिनके घर के लोग आरोपी थे। जेल के अंतर उनके छूटने की भी कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वह सब आजीवन कारावास के आरोपी थे। रीवा के सेंट्रल जेल से हमारी टीम भी मौजूद थी। हमने वहां पर जेलर से बात की, जानने समझने की कोशिश की किस तरीके से इन कैदियों को छोड़ा गया। साथ ही हमने कुछ रिहा हुए कैदियों से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना था। जेल में विभिन्न प्रकार के उद्योग चल रहे हैं, उनमें इनको प्रशिक्षित किया गया है। ये कैदी बाहर जाके अपना पुनः रोजगार स्थापित करेंगे और परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। 14 साल और 6 माफी मिला के 20 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं, ये तभी छूट रहे हैं। हमारा आईडी नहीं आ रही है, हम कैदी कुछ तो पैरवे कैसे क्या पंचायत कर लगी क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या उमरिया जिला का ग्राम तावन ना रख रहे हैं। क्या घटना घट गई थी आपने, क्या क्या अचानक के समय में छोटा था, कुछ नहीं जानते। किसने फंसाया था, क्या गाँव की तरफ फंसवा दिए जबरदस्ती। आप इतने साल तक जेल में रहे, क्या सीखा आपने? और मैं पेंटिंग प्रेस का ऑपरेटर मशीन चलाता हूँ। अब जाके क्या करेंगे? ठीक है ना, नहीं पता उसको, साल में नहीं बताया होगा ना आपको, हजार दिया गया था। कितने साल के रहे होंगे आप जब? मैं 19 साल का। क्या कहते हैं आपका लड़का मर्डर कर दिया, बस इतना मैं जानता हूँ। किसका मर्डर हुआ था, क्या था? एक मैं उसी गांव में बाप लड़की का रही थी, इसकी मर्डर हुआ था, बस हो गया इतना मैं जानता हूँ। मेरे को कुछ मालूम है क्या उम्र रही होगी और कैसा 18 में इसकी रहा हुई उम्र ऐसी, बस हो गया इतने मैं जानता हूँ और कुछ नहीं जानता। क्या नाम है आपका? चंद्रभान बर्मन।